तो बच्चों क्या हालचाल, होप सब ठीक होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि आपके आपके जितने भी रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे। पिछले 2-3 दिनों से मैं ये जानकारी पता करने की कोशिश कर रहा था यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह तक, लेकिन इसकी जानकारी हमें मिल नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली आज मुझे ये जानकारी पता चल गया है, तो सोच रहा हूँ मैं आप सभी को जल्दी से बता दूँ। बच्चों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन जरूर दबा देना। तो शुरू करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे जारी करेगी, कब जारी करेगी, ये पूरी बात है इस पूरे वीडियो में बताएंगे। और साथ साथ बच्चों के कई सारे समस्याएं हैं एडमिशन को लेके, एक दो डाउट क्लियर कर दें कि भैया अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, मैं फॉर्म कैसे भरूंगा। उसके बाद से एक समस्या और होगा कि भैया मेरा सेमेस्टर 6 हो गया और मेरे 75% से ज़्यादा नहीं है, 75% से कम नहीं है, तो इस केस में क्या करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो बनाऊँगा कि सेमेस्टर 6 में निकलने के बाद से यूनिवर्सिटी से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, वो सारी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी इंतजार कर रहे हो ना भाई कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर के हो, 4 के हो या 6 के हो। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ये 3 तरीके का, मतलब ये इस तरीके से रिजल्ट जारी करेगी। जितने भी बच्चे, चाहे वो BA का हो, BSc का हो या BCom का हो या BBA का हो, ठीक है, ये BBA वालों का है, इधर BCom वाले भाई रहेंगे, इनका रिजल्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद से BSc और फिर BA। BA वालों में एक समस्या ये है कि 22 तारीख तक अभी उनके एग्जाम है, 22 जून तक अभी उनके एग्जाम है। ठीक है, ये समस्या उन्होंने बताया। तो देखो, सबसे पहले सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से 4 का और उसके बाद से सेकंड का। ठीक है, तब ये रिजल्ट कब कैसे जारी होगा ये भी जान लो। तो यहाँ भी वही हाल, सॉरी, यहाँ सेमेस्टर 6 होगा। ठीक है, BSc में सेमेस्टर 6, 4 और 2, BA में भी यही हाल होगा, सबसे पहले आपका सेमेस्टर 6 का आएगा रिजल्ट, 4 का आएगा, उसके बाद से सेकंड का आएगा। यही हाल BBA में भी होगा, 6 का आएगा, ठीक है, सॉरी, और 4th का आएगा, उसके बाद से सेकंड का आएगा। तो भाई ये रिजल्ट कब तक आएगा, तो 6 वालों का जो रिजल्ट है फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये बताया, जो 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है, 6 सेमेस्टर होंगे, कब इनका रिजल्ट आएगा। तो इनका रिजल्ट 25 जून के बाद से, मतलब 25 जून से लेके 30 जून के अंदर ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, 6 सेमेस्टर के। BSc में भी यही होगा, 25 जून से लेकर 30 जून तक ये रिजल्ट आ जाएगा 6 सेमेस्टर का। सेम BA में भी, BA में थोड़ा डिले होगा, July 1st week तक आएगा ये। ठीक है, और BBA वालों के लिए थोड़ा सा, मतलब ये भी जुलाई में ही जाएगा, July 1st week तक ही जाएगा। ठीक है, तो दो रिजल्ट जो होंगे BA और BBA वालों का, July 1st week तक जाएगा 6 सेमेस्टर का, और बाकी BCom और BSc का जो रिजल्ट होगा 6 सेमेस्टर का, वो 25 जून से लेकर 30 जून तक आ जाएगा। ठीक है, खुश। अब बात कर लेते हैं भाई 4 सेमेस्टर का कब रिजल्ट आएगा। तो जैसे इनका रिजल्ट जारी होगा, इनके 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया 6 के 3 दिन बाद, जैसे मान लो इनका रिजल्ट 25-26 को आया, तो 29 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही हाल यहाँ है, July 1st week में इनका रिजल्ट आ गया, तो 3 से 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 4th वालों का है, और 2nd वालों का थोड़ा सा टाइम यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन July 10 से पहले 2nd का भी रिजल्ट जारी कर देगी सभी कोर्स में। July 10 से पहले यहाँ भी रिजल्ट आ जाएगा, और July 10 से पहले यहाँ भी, और July 10 से पहले यहाँ भी, मतलब 2nd सेमेस्टर वालों का, और यहाँ भी ये July 1st week में ही आ जाएगा 4th सेमेस्टर का। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, आया ना समझ में। ठीक है, तो जल्दी से अब क्या करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। कौन कौन डाउनलोड करेगा, 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे। ठीक है, अब 4th वालों के लिए कई सारी समस्या भी आ रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक समस्या मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अब कई लोगों का एक सवाल है कि भैया मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं एडमिशन फॉर्म कैसे भरूं, मैं 6 सेमेस्टर में हूं, मेरा 75% से कम आया है, मैं कैसे भरूं। तो 75% वाली समस्या मैंने सॉल्व कर दिया था आपका ऑलरेडी। यूनिवर्सिटी कह रही भाई जिनके, ठीक है, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मिला के एवरेज 65% नहीं हुआ है, वो क्या करो, वो थर्ड ईयर के बाद छोड़ दो, या उनके कॉलेज में अगर 75% उनका आ गया, अगर उनके कॉलेज में PG कोर्स चलता है सेम कोर्स का, जैसे मान लो कोई लड़का अगर BCom करता है और BCom में वो 75% लेके आया, अगर वो MCom उसके यहाँ चलता है तो आप 4th साल में प्रवेश करोगे, अगर नहीं चलता तो भी आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब एक लोगों का, कई बच्चों का ये सवाल था, क्या मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म भर सकता हूँ, मैं 2024 का पास आउट हूँ। तो हाँ, 100% आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो,
आपका जब रिजल्ट आएगा, अभी आप अपियरिंग भर के भर देना, आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखो। जिनको चौथे साल का जो कंफ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिया, 75% से ज्यादा आया है, आपके कॉलेज में सेम कोर्स चलता है तो आप एलिजिबल हो फोर्थ ईयर के लिए, अन्यथा नहीं हो। तो सबसे आसान रास्ता यही है कि आप पीजी के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भरो, एंट्रेंस एग्जाम दो, तब आपका एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर वाले अब फिफ्थ में जाएंगे, ठीक है, और सेकेंड वाले अब थर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो फिफ्थ वालों के लिए अभी बीकॉम बीए वालों को, बीकॉम वालों को भाई इंटर्नशिप करनी होगी, ठीक है भैया, इंटर्नशिप करनी है, ऑफर लेटर मिल गया है, ये 100 मार्क का होगा, ठीक है। ये कैसे ज्वाइन करें, कहां से करें, तो ये पूरी इंटर्नशिप हमारी टीम करा रही है, और साथ में आपको ऑफर लेटर भी देगी, सर्टिफिकेट भी देगी, ठीक है, और रिपोर्ट जो आपका जमा होता है वो भी बना के हार्ड कॉपी में देगी। ये सारी सुविधाएं अब हमारी टीम देगी। कैसे करना है, क्या करना है, तो इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो जल्दी से जल्दी अपना फोन उठाना, कल सवेरे 10 बजे 92197-90515 पे कॉल कर लेना। हमारे टीम के जो भी मेंबर होंगे वो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। थर्ड सेमेस्टर में थोड़े से सब्जेक्ट हार्ड है बीकॉम वाले हो तो ध्यान रखना, थोड़ी बहुत पढ़ाई करना, स्टैट जैसे सब्जेक्ट को हलवा मत लेना, थोड़ा सा अभी से पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। होपफुली हमारे ये सारे डाउट आप सभी के क्लियर हो गए होंगे रिजल्ट को लेके। अब उसके बाद से 6 वाला 75% वाली भी समस्या मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो एक काम कर सकते हो, आप अपने फोन में LU अपडेट ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद से वहां पे आपको एक चैट बॉक्स मिल जाएगा, चैट बॉक्स में अपनी समस्या लिख के बता देना, हमारी टीम उस पर कल तक आपको रिप्लाई कर देगी। कोई भी समस्या हो, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, PC, ठीक है, और डिग्री, ये कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो ये वीडियो हम अगले वीडियो में बता देंगे। 2 दिन बाद बनाऊंगा मैं ये वीडियो, सारी चीजें एक बार जानकारी ले लूं, फिर आपको 100% ये सारी चीजें बता दूंगा। तो 6 सेमेस्टर वाले आपके लिए रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये मैं वीडियो बना दूंगा। होप बच्चों आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत पसंद आई होंगी, ठीक है। अब जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम वाले हो, बीए में चाहे पढ़ते हो आप, बीएससी में आप पढ़ते हो या बीकॉम में पढ़ते हो, तो आपका पैटर्न वही आने वाला है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 करना है, ठीक है। तो अब ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तो ये सारी चीजें LU अपडेट मोबाइल पे ऑड सेमेस्टर का जो कोर्स है बच्चों वो लॉन्च हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको रीजनेबल 15% डिस्काउंट सभी बच्चों को मिल रहा होगा LU अपडेट मोबाइल ऐप पे, तो ये भी कोर्स आप सभी इनरोल कर लेना, ठीक है। होपफुली आपके सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।